मई 1999 को आई फिल्म सूर्यवंशम को भला कौन भूल सकता है, जिसने दर्शकों का काफी मनोरंजन किया था और साथ ही फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर भी काफी कमाई की थी। फिल्म में अमिताभ बच्चन, सौंदर्य, रचना बनर्जी और अनुपम खेर जैसे एक्ट्रेस नजर आए थे। वहीं अगर बात करें फिल्म की कहानी की तो फिल्म एक सीधे साधे लड़के हीरा के ऊपर आधारित थी। पढ़ाई में कमजोर होने के साथ साथ अपने पिता की उम्मीदों पर भी खरा नहीं उतर पाता है, जिस वजह से उसके पिता उसके साथ नौकरों की तरह व्यवहार करते हैं। फिल्म में हीरा ठाकुर और राधा की सुंदर जोड़ी देखने को मिली थी। आज फिल्म को रिलीज हुए पूरे 21 साल हो चुके हैं और इन बीते सालों में फिल्म में काम करने वाले सेलिब्रिटीज काफी ज्यादा बदल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं इन सेलिब्रिटीज के बारे में कि वे कैसे दिखते हैं और उनकी आज कैसी हालत है। नंबर 1, मुकेश ऋषि। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले बात करने वाले हैं मुकेश ऋषि के बारे में, जिन्होंने फिल्म में दोहरा किरदार निभाए थे केवड़ा ठाकुर और देशराज ठाकुर का, और साथ ही इन्होंने भानु प्रताप की खीर में जहर भी मिला दिया था। इन्होंने अपने किरदार को बखूबी निभाया था। लेकिन अगर बात करें इनके आज की तो यह आज कुल 64 साल के हो चुके हैं और अपनी बढ़ती उम्र की वजह से पहले से काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं। इनके चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ आ चुकी हैं और इनके बाल भी प्योर सफ़ेद हो चुके हैं, जिसके चलते ये पहले से काफ़ी ज़्यादा अलग लगते हैं। नंबर 2, जयसुधा। अभिनेत्री जयसुधा ने फिल्म में शारदा का किरदार निभाया था, जो भानु प्रताप की पत्नी और हीरा ठाकुर की मां होती है। इन्होंने अपनी पत्नी और मां के किरदार को बखूबी निभाया था, जिसे दर्शकों ने काफी ज्यादा पसंद भी किया था। इन गुजरे सालों में अभिनेत्री काफी ज्यादा बदल चुकी हैं। इनकी बढ़ती उम्र इनके चेहरे से पता लगाई जा सकती है और इन्हें देखकर पहचान पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि इनका वजन काफी ज्यादा बढ़ चुका है। नंबर 3, रचना बनर्जी। रचना बनर्जी ने फिल्म के अंदर गोरी का किरदार निभाया, जो हीरा ठाकुर की दोस्त थी, जिसे हीरा ठाकुर एक तरफा प्यार करते थे, पर यह हीरा ठाकुर के प्यार ठुकराने के साथ साथ उनका अपमान भी करती हैं और किसी और से शादी कर लेती हैं। अगर बात की जाए इनके आज की हालत के बारे में तो यह बीते सालों में काफ़ी ज़्यादा बदल चुकी हैं। यह पहले जितनी खूबसूरत भी नहीं दिखती हैं। इनके चेहरे पर काफ़ी सारी झुर्रियाँ आ चुकी हैं और इनकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल भी आ चुके हैं। नंबर 4, अनुपम खेर। अनुपम खेर ने फिल्म में धर्मेंद्र का फनी किरदार निभाया था, जिसमें इन्होंने हीरा ठाकुर की काफी मदद भी की थी। वहीं बात की जाए इनके आज के हालात की तो यह आज कुल 65 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनके चेहरे पर इनकी बढ़ती उम्र का कुछ खास असर नहीं पड़ता है और यह अब भी पहले जैसे ही नजर आते हैं। नंबर 5, सौंदर्य। फिल्म में सौंदर्य ने राधा का किरदार बड़ी बखूबी के साथ निभाया था। आपको बता दें कि इनके साथ एक हादसा हुआ था, जिसमें इनकी जान चली गई। खबर को सुनने के बाद इनके फैंस काफी ज्यादा दुखी हुए थे। नंबर 6, अमिताभ बच्चन। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन ने दोहरी भूमिका निभाई थी। फिल्म में उनके दोनों ही किरदारों को काफी पसंद किया गया और उनकी अदाकारी की काफी ज्यादा चर्चाएं भी हुई। अगर बात करें इनके आज की तो यह आज कुल 78 साल के हो चुके हैं, लेकिन इनकी पॉपुलैरिटी आज भी उतनी ही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको सूर्यवंशम फिल्म के सभी किरदारों के हालातों के बारे में जानकर? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही ऐसी और नई अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।